I'll be visiting is Murdeshwar Temple. So Murdeshwar Temple from here is around 25 kilometers around. People, finally I am at Murdeshwar, and Murdeshwar mein I am staying at this Amani beach stay. This is the stay where I am staying, and yahan se if you look exactly that side, there is the world's second tallest Shiva statue, and usi ke just bagal mein aapko ye uncha around 250 feet uncha gopuram dikh raha hoga. That is the Murdeshwar temple. And just in front of me here is the beach which I am gonna hit. So this is a perfect place. Staying at this place, I'll be going to visit the temple there, that side, and now I'm gonna hit the beach that side. So this is one of the best stay that you can have. The rooms are as well cleaned, but there are a lot many mosquitoes, so I have asked for all out and all. Otherwise it's a nice view, so chalo beach hit karte hain. Guys, from here you can see there's a spectacular view. This is the Shiva statue, world second tallest, and the 250 tall gopuram and the beach. Oh my god, what a beauty. So this place is kind of reminding me of Rameshwaram. Rameshwaram mein bhi aise hi hai. There you go, hit the beach, Indian Ocean is there, और यहाँ पे अरेबियन सी, एंड वहाँ पे भी इंडियन ओशन में यू नो यू टेक गो टेक हॉलीडे एंड देन यू गो एंड विजिट रामेश्वरम. एंड यहाँ पे भी आई एम गोना गो हिट द बीच एंड देन गो विजिट मुरुदेश्वर महादेव. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इंडिया में वेर एवर यू गो टू विजिट, यू विल गेट सम टेम्पल्स टू विजिट एंड यू नो टेक द ब्लेसिंग्स. सो इन्जॉयमेंट का इन्जॉयमेंट भी हो जाता है एंड दर्शन का दर्शन भी हो जाता है. सो वॉट एल्स कैन वन आस्क फॉर. सो गाइज, बीच में काफ़ी मज़ा आया. वाटर बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब क्रिस्टल क्लियर वाटर है. बहुत अच्छा लगा बीच में. मैं जा रही हूँ महादेव के दर्शन करने के लिए. सो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, ये गोपुरम जो है ये 250 फीट जो है वो ऊंचा है. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लिफ्ट बना हुआ है एंड आप गोपुरम के 21st फ्लोर में जा सकते हैं एंड वहाँ से यू कैन गेट अ क्लियर एंड स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द एंटायर अरेबियन सी. आपको यहाँ से दिखाते हैं, दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ द एंटायर अरेबियन सी. तो डे वन के आइटिनरी में मैंने ये दो प्लेसेस रखे थे. वन इज़ द हुनोवर बैकवाटर्स विथ मैंग्रोव एक्सप्लोर एंड सेकेंड है मुरुदेश्वर महादेव. तो ये दो प्लेसेस मेरे डे वन के आइटिनरी में थे. इसको देख के ना मुझे मीनाक्षी टेम्पल की याद आती है. मीनाक्षी टेम्पल भी इसी तरह एकदम ऊंचा खड़ा है, तो वो टेम्पल और ये टेम्पल मुझे एक्चुअली मीनाक्षी टेम्पल की याद दिलाता है. हाँ, मीनाक्षी टेम्पल में और भी ज़्यादा कलर्स यूज़ किया गया है गोपुरम. इट इज़ अ वेरी कलरफुल टेम्पल एक्चुअली. सो वहाँ पे बहुत सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं. अगर आपने मीनाक्षी टेम्पल नहीं देखा है कभी, आप नहीं विज़िट कर पाए हैं, तो लिंक मैं यहाँ ऊपर में दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिए. मैंने मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया है, सो आप देखिए, आपको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल आई मस्ट से, एंड उतना ही ब्यूटीफुल है ये मुरुदेश्वर महादेव टेम्पल. शंभू शंभू महादेवा शंभू.
गोपुरम दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये देखिए कितना विशाल है और यहाँ पे आपको इतनी लंबी जो कतार दिख रही है, यहाँ से आप टिकट लेते हैं, टिकट के चार्जेस अभी हमें पता चलेगा, सो यहाँ से आप टिकट लेते हैं एंड ये पूरी जो लाइन आप देख रहे हो ये उसी पॉइंट को विज़िट करने के लिए लगी हुई है। अंदर से एक लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और ये पूरा लाइन उसके लिए लगा हुआ है। तो यू कैन इमेजिन हाउ हाउ मच पीपल आर एक्साइटेड यू नो टू गो वे टिल टॉप and have the view of the entire city and the Arabian Ocean. तो चलिए हम भी चलते हैं, हमारे ग्रुप के लोग सब यहीं पर खड़े हुए हैं एंड ऑलरेडी हमने लाइन लगाया हुआ है, सो विल गो ग्रैब द टिकट्स एंड देन उसके बाद बताते हैं आपको कि टिकट्स की कॉस्टिंग वगैरह क्या है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे हमने टिकट लेनी है एंड सो आई केम फ्रॉम दिस साइड, ओके दिस इज़ द एंट्री, टिकट काउंटर यहाँ पर है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। द टाइमिंग्स आर आप देख सकते हो 7 AM टू 12:45 एंड 3 PM टू 7 PM, ओके एंड द टिकट चार्जेस आर 20 फॉर एडल्ट एंड 10 फॉर चिल्ड्रेन। नाउ दे हैव टू लिफ्ट्स, लिफ्ट वन एंड लिफ्ट टू, so at a time you can see around 7 to 8 people can go in one lift, so they have like two lift. I don't know if the second one is operating, no the second is not operating, that is why line jo hai kafi lambi lagi hui hai kyunki the second lift is not operating, but kuch is tarah se yahan ki vyavastha hai. This is the 18th floor, 21st floor नहीं है, 18th floor से आपको view मिलता है and this is the view of the Arabian Sea. And people, this is the view that everyone was talking about. The बेस्ट व्यू जो आपको 18th फ्लोर से मिलता है वो है महादेव का, विच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट महादेव का स्टैचू एंड पूरा ये नीचे का व्यू आपको कुछ इस तरह से दिखता है। सो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग कि 18th फ्लोर से व्यू कैसा होता है, अरेबियन सी कैसे दिखती है एंड सीइंग महादेव का इतना लार्ज स्टैचू, नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दी दर्शन। पीपल भीड़ बहुत ज़्यादा है, मे बी इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, दैट्स द रीज़न भीड़ इतनी ज़्यादा है, बट क्राउड इज अमेजिंगली हाई हियर एंड सिंस मॉर्निंग आप यहाँ देख पा रहे हो ये नंबर काउंटिंग्स चल रही है, तो सिंस मॉर्निंग अराउंड 9,800 मतलब लगभग 10,000 लोग आके दर्शन कर चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं और यहाँ की भीड़ कैसी होती है। सो दैट्स ऑल फोक फॉर दिस डे वन ऑफ द व्लॉग, डे टू पे हम लोग और नए प्लेसेस ट्रैवल करेंगे, सो डे टू के व्लॉग आप ज़रूर देखिए। दिस इज़ फॉर डे वन व्लॉग वेयर वी हैव कवर्ड टू प्लेसेस, वन इज़ हुन्नावर बैकवाटर्स एंड मैंग्रोव्स एंड सेकेंड इज़ दिस मुरुदेश्वर राइट टेम्पल विच इज़ एक्सट्रीमली बिग एंड ह्यूज एंड द टॉलेस्ट आई मीन। तो मिलते हैं फिर से न्यू व्लॉग में, डे टू के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।